फरीदाबाद अदालत परिसर के वकील देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि वकील न्यायपालिका में जजों की संख्या बढ़ाने और कुछ भ्रष्ट जजों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर वकील दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। वकील न्यायपालिका में सुधार के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद, पलवल, होडल, NCR के ज़्यादातर वकील हिस्सा ले रहे हैं। जी, धरना देने की कोई खास वजह? खास वजह यह है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब कहते आए हैं कि हिंदुस्तान की जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, लेकिन आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया। इवन ऐसे मजिस्ट्रेट, ऐसे सेशन जज हैं, उदाहरण के तौर पर मल्होत्रा जिसकी प्रमोशन कर रहे हैं, मेहता जिसकी प्रमोशन कर रहे हैं, उस पर यौन शोषण का एलिगेशन है। हिंदुस्तान की जुडिशरी वर्ल्ड में बढ़िया जुडिशरियों में से है। एक आध 2% की वजह से पूरी जुडिशरी पर उंगली उठती है। नंबर एक, नंबर दो, हमारी मांग है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जजेस भर्ती किए जाएं, जिससे कि लिटिगेंट्स को न्याय मिले। ये न्यायिक व्यवस्था में दोष है, उसी को उजागर करने के लिए एलएन पाराशर जी ने, इनकी अध्यक्षता में हम लोग इसके खिलाफ जो न्यायिक व्यवस्था में दोष है उस संघर्ष में शामिल हुए और उसी के तहत जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आए। आप भी वकील हैं? जी नहीं, वकील मजबूर हो गए इस न्यायिक व्यवस्था के। कुछ जजेज अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी जजेज हैं, जिनकी वजह से आज भी जुडिशरी में विश्वास है लोगों का, परंतु कुछ वकील भी ऐसे शामिल हुए हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था को मखौल बना दिया, जिन्होंने दलाली करने लगे, जजेज दलालों को पालने लगे, जिसमें विशेषकर ये इंद्रजीत मेहता जी हैं, इस पर रेप चार्जेज भी लगे हैं, कमीशन खोरी के भी लगे हैं, अपने जूनियर जजेज से ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के ये अपने जजमेंट कराते हैं, तो उसके खिलाफ हम विशेषकर जा रहे हैं। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।